Apurva Jain and you are watching Creative Apurva Jain. In today's video, it's a cooking video and मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इडली बनाना विद द हेल्प ऑफ सूजी रवा. यस, जस्ट एक ही इंग्रीडियंट से आप बहुत अच्छी इडली बना सकते हो. यू डोंट हैव टू गेट दैट इडली का आटा एंड उसका घोल, आप आराम से इससे बना सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स. So for making idli, you need 500 grams rava. It will make around 30 to 35 pieces of idli. So आप थोड़ा सा like around 500 grams rava एक टोपिया में लेकर, and then आपको उसमें थोड़ा सा नमक add करना है. And now उसको घोलने के लिए you need some curd or buttermilk. That is mixture of curd plus water and approx you can take around 2 balls of buttermilk. So आपको उसमें थोड़ा थोड़ा डालकर आपको जो बैटर है, जो सूजी है, वो हिलाते रहना है. एंड वंस अच्छे से पूरा घुल जाए, आपको उसको अराउंड 3 hours to 4 hours के लिए साइड में रख देना है. So yes, so continue moving the spoon this way and थोड़ा सा और आपको अंदाज ही डालना है. मैं आपको सारे जो भी mostly recipes है आपको अंदाज भी बताऊँगी and थोड़ा बहुत जहाँ पे भी मुझे measurement लगता है necessary मैं आपको वो भी बताऊँगी. Alright, so now I feel the batter is almost mixed properly. अच्छे से घुल गया है तो अब हमें इसे side में रख देना है around at least for 3 hours. तो कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए एंड तो ही आपका इडली अच्छे से उठ के आएगा. ओके, सो अच्छे से घुल गया है. अब हमें इसे सम 3 hours to 4 hours के लिए साइड में रख देना है. सो आफ्टर 3 to 4 hours यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर इडली. तो उसके लिए आपको ये जो इडली स्टैंड है उसको थोड़ी देर के लिए अराउंड 5 मिनट्स के लिए यू हैव टू कीप इट ऑन द गैस स्टोव. ओके, आप वो स्लो टू मीडियम में उसको स्टार्ट कर देना लिड को बंद करके. एंड आपको उसमें थोड़ा सा पानी भी भरना है एट अ वेरी लो लेवल जहाँ तक इडली स्टैंड जा सके. डोंट फॉरगेट टू ऐड वाटर. सो बाय द टाइम इट्स गेटिंग हीटेड आप उतना ही इडली का घोल ले जितना आप बनाना चाहते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम. आई टेल यू व्हाई यू हैव टू डू दिस. सो थोड़ा सा मैंने डिवाइड कर लिया है एंड देन आपको इडली जो मोल्ड्स है उसको ग्रीस करना है विद द हेल्प ऑफ ऑयल. सो आई हैव इडली मोल्ड ऑफ 4 stands लाइक 4 अलग अलग प्लेट्स है विद द इडली मोल्ड्स. तो मैंने सबको ग्रीस कर दिया है एक साथ. ओके, सो नाउ कम्स द मेन स्टेप. आफ्टर डूइंग दिस आपको घोल में हाफ पैकेट ऑफ इनो डालना है बिकॉज आपने क्वांटिटी हाफ कर दिया था. सो जस्ट टेक हाफ पैकेट्स ऑफ इनो एंड पोर इट इन टू द बैटर. ओके, मैंने हाफ ऑलरेडी दूसरे में डाल दिया था तो ये जस्ट मेरा हाफ मैंने अभी डाला है. आपको भी हाफ पैकेट ही डालना है. मेक श्योर ज़्यादा इनो ना हो जाए एंड देन अगेन स्टर इट प्रॉपरली. एंड बाकी हाफ ऑफ द इनो यू कैन कीप इट असाइड एंड बाकी का जो बैटर बचा है उसमें बाद में डालेंगे, अभी नहीं. सो एट प्रेजेंट फॉर नाउ आपको उतना ही पोर करना है जितने में आपने इनो डाला है. सो यू कैन स्टार्ट पुटिंग इट इन द मोल्ड्स. सो इतनी क्वांटिटी सारे मोल्ड्स में आ जाएंगे एंड देन यू हैव टू पुट इट प्रॉपरली. एंड इस तरह से आपको प्लेस करना है इफ़ यू डोंट नो कि जहाँ पे भी होल्स हो इट शुड कम अबव द अदर स्टैंड ऑफ द इडली प्रॉपरली. आप देख लीजिए. सो थोड़ा zigzag रहेगा एंड देन जो ऊपर का नोजल है वो अच्छे से उसे लॉक करके यू हैव टू प्लेस इट इन द इडली स्टैंड इन दिस वे एंड क्लोज द लिड प्रॉपरली. सो अब आपको 2 मिनट के लिए उसे हाई फ्लेम पे रखना है एंड देन आफ्टर 2 मिनट्स अराउंड 12 to 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रखना है.
सो इट इज़ कंपल्सरी 2 मिनट्स हाई फ्लेम पे एंड देन डोंट फॉरगेट टू कीप ऑन लो फ्लेम फॉर एटलीस्ट 12 मिनट्स 12 to 15 मिनट्स. मैंने ओवरऑल उसे 15 मिनट्स के लिए रखा है, 2 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम एंड अराउंड 13 मिनट्स ऑन लो फ्लेम एंड देन नाउ आई हैव टेकन आउट द मोल्ड्स. अब या इट्स ऑलमोस्ट डन. सो थोड़ा सा उसको आप टिल्ट रख दो ताकि सारा इंटायर जो वाटर है वो निकल जाए एंड सी इट कम्स आउट सो ब्यूटिफुली. सो मैंने चारों मोल्ड्स निकाल दिए हैं एंड थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के नाउ इट्स टाइम टू टेक आउट द इडलीस फ्रॉम द मोल्ड्स. लाइक ज़्यादा देर आपको साइड में नहीं रखना, अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए यू कैन कीप अ साइड एंड प्रॉपरली आपको विद द हेल्प ऑफ अ स्पून यू कैन टेक आउट द इडलीस. इट्स वेरी सॉफ्ट सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द स्पून. So that's it, it's done and this was the most simplest idli that I could make with the help of just suji. Now you can serve with the chutneys and even sambar. So this is the idli which I made out of rava. Thank you so much for watching and do subscribe the channel if you are new to it for such ideas. Thank you.